आप देख रहे हैं बर्ड वायरल न्यूज़ दोस्तों, आपका स्वागत है। सीएम योगी पर राज ठाकरे का पलटवार, बोले रहा महाराष्ट्र में बिना इजाजत के किसी मजदूरों को नहीं मिलेगी एंट्री। प्रवासी मजदूरों को लेकर सीएम योगी के निर्देश पर अब नजदीक प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। सीएम योगी ने आज कहा था कि अब किसी भी दूसरे राज्य को उत्तर प्रदेश के मजदूरों को ले जाने के लिए यूपी सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी। उनके इस फैसले पर महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस बात को ध्यान रखे कि महाराष्ट्र को किसी की जरूरत नहीं है, बल्कि अब महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों को आने के लिए सरकार के से इजाज़त लेने पड़ेगी। इसके साथ ही राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस संबंध में सार्थक कदम उठाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। ही नहीं, राज ठाकरे ने इन प्रवासी मजदूरों के पुलिस स्टेशन में पूरी डिटेल रखे जाने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में काम की तलाश आने वाले सभी कामगारों का रिकॉर्ड बनाना चाहिए, वे भी फोटो के साथ, ताकि सभी की डिटेल पुलिस के पास रह सके। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि राज ठाकरे के इस बयान के बाद प्रवासियों को लेकर जारी सियासत में अब नया मोड़ आ सकता है, क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अपने राज्य से महाराष्ट्र जाने वाले प्रवासियों को लेकर काफ़ी कुछ बोल चुके हैं। हाल ही में सीएम योगी ने कहा था कि अगर प्रदेश उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति काम की तलाश में महाराष्ट्र वापस जाता है तो महाराष्ट्र सरकार को इन प्रवासियों को रखने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमति लेना होगा। उन्होंने कहा था कि अगर किसी प्रदेश को उत्तर प्रदेश के श्रमिकों या फिर कामगारों की ज़रूरत है तो इसके लिए उस सरकार से इजाज़त लेने पड़ेगी। इसके बाद युवा श्रमिकों को अपने यहाँ काम पर रख सकते हैं। उन्होंने कहा, ऐसे में अगर किसी राज्य को कामगारों की आवश्यकता होगी तो उनकी मांग पर सामाजिक सुरक्षा की गारंटी राज्य सरकार देगी, बीमा कराएगी और श्रमिक एवं कामगार को हर तरह से की सुरक्षा देगी। यही नहीं, सीएम योगी ने महाराष्ट्र सरकार से मजदूरों के सामाजिक कानूनी और मौद्रिक अधिकारों को भी सुनिश्चित करने की बात अपने बयान में कही थी, जिसके जवाब में अब राज ठाकरे सामने आए हैं। बता दें कि सीएम योगी ने ये बात कोरोना लॉकडाउन के मद्देनज़र कही थी। सीएम योगी का आरोप था कि लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों को ध्यान नहीं रखा, जिसके चलते मजदूरों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।